हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे सनस्क्रीन के ऊपर, जो सन की हानिकारक किरणों से बचाव के लिए हमें ज़रूरी है कोई अच्छा सा सनस्क्रीन लगाना। और इस अच्छे सनस्क्रीन के लिस्ट में से हमें सबसे पहले जो फर्स्ट नाम आता है वो है अरोमा मैजिक का। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसका नेट कंटेंट है 50 ml और आपको ट्रेवल साइज जो है आपको मिल जाता है। और इसका जो प्राइस है आपको 98 to 97-96 तक आपको मिल जाएगा। अवेलेबल ऑनलाइन स्क्रीन पे दिख रहा है कि कितना अच्छे से इसमें इंग्रेडिएंट इन्होंने मेंशन किया है, जो 100% प्योर और जो है पैराबिन और जो है सिलिकॉन वेसेस जो है इससे बिल्कुल आपको फ्री मिल जाता है। आपको और क्या ही चाहिए, एक सनस्क्रीन लोशन है और उसमें बिल्कुल भी केमिकल और प्रिजर्वेटिव नाम की कोई चीज़ नहीं है। SPF 15 और SPF 30 में सिर्फ कुछ ही परसेंट का अंतर है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। तो आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ना जाइए। और जो लोग बोलते हैं कि आपको SPF 50 लगाना चाहिए या फिर इसका जो प्राइस वैल्यू बढ़ा के आपको मार्केट में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी रनी एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन के बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाती है। और आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब होने के साथ साथ आपकी स्किन को एब्जॉर्ब कर लेती है इतने अच्छे से कि आपकी स्किन मैट और मैटिफाई होने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पहले से रेडिएंट और ग्लोइंग सा फील करेगी। अगर हम बात करें स्पेसिफिक कौन से स्किन टाइप के लिए जो सूटेबल रहने वाला है, अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल टू ड्राई है और अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत जो है कॉम्बिनेशन भी है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाने वाला। 15 to 30 लेंगे तो आपके लिए इनफ है। आपके स्किन के अगर आप इंडियन स्किन टोन से मैच करते हैं तो आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए SPF 15 to 30 आप इस पे जा सकते हैं। और सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।